अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार 2024 रविवार को स्थानीय मल्लाधीश्वर मंदिर में होने जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में साथ ही साथ प्रतिवर्ष जो दिया जाने वाला मराठा गौरव सम्मान है, इस वर्ष भी वह इस मंच के माध्यम से दिया जाना है। इस वर्ष समिति ने आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि प्रतिवर्ष होने वाला हमारा श्री शिव छत्रपति राज्याभिषेक श्री शिव छत्रपति मराठा संघ के तत्वाधान में जो प्रतिवर्ष परिषद सम्मेलन होता है वह इस प्रतिवर्ष भी आप सभी के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। पहले आप आपके जो पूरा कार्यक्रम है उसकी पूरी रूपरेखा विस्तार से बता दीजिए, फिर हमको अगर कोई सवाल के रूप में गत वर्ष की उपस्थित से इस वर्ष भी उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देवास के सांसद एवं वर्तमान में सांसद के चुनाव टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जो आपकी पूरी टीम है वो नहीं आई, क्या कारण? सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो जवाब इंदौर की प्रसिद्ध समाज सेविका एडवोकेट श्रीमती स्वाति युवराज काशिप को हम लोग यह मराठा गौरव सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। बाकी की रूपरेखाएं आप सभी को मैंने जो संबंधित क्षेत्रों ने उसमें सब दे दी है। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि प्रतिवर्ष आपका सहयोग बराबर हमने लड़का लड़की पसंद की है, लेकिन आज की तारीख में समाज में मैं कहता हूँ कि ये नहीं कह सकते कि कौन सा व्यक्ति किस समाज को किस तरह से बिलोंग करता है, क्योंकि आज की तारीख में गर्मी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी खाद ढूंढने व्यवस्था के लिए ताकि जो लोग ये सारी चीज़ें निश्चित होती है। इसमें क्या होता है, आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि विगत 2022 है बागर राव हमारे वरिष्ठ आदरणीय समाज के सम्मान करता हूँ। अभी परसों के साथ हम लोग मन की बात निकले थे कभी दूर, थोड़ी देर का दिन भर सुबह से लेकर रात तक शाम तक भोजन हुआ मिलावटी में पाकिट को, और हमारे आराध्य देव हमारे सब कुछ जो है वो इसमें आपको सुना होगा हमारे लिए देव तुल्य जी, हम यदि इनको भगवान की जगह भी उठाए तो देव तुल्य आपकी समिति में कितने लोग इस कार्य में लगे सर? हमारी जो पूरी समिति है इसमें करीब 40 लोग हैं, सभी को अलग अलग महिला टीम है 25 लोग, 25 लोगों की जो महिला टीम है उसका सबको अपने टीम दी थी, इसमें सबको अपने अपनी जवाबदारी रजिस्ट्रेशन काउंटर अलग रहेगा। हमारे समाज सर 2022 से हम लोगों ने ये परिचय सम्मेलन प्रारंभ किया है। श्री शिव छत्रपति मराठा संघ के बैनर तले हम लोग यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। विगत दो वर्षों से मिली सफलता से ही हम लोग इस वर्ष यह परिचय सम्मेलन पुनः करने जा रहे हैं। गत वर्ष हमें इस परिचय सम्मेलन में करीब 295 के लगभग एंट्रियाँ प्राप्त हुई, लेकिन आप सभी के सहयोग और प्यार से यह संख्या इस वर्ष 422 तक जा रही है। यह कार्यक्रम आने वाली 19 मई को 2024 को स्थानीय मल्लाधीश्वर मंदिर में रविवार को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देवास के सांसद प्रत्याशी और वर्तमान सांसद आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ इंदौर के पूर्व महापौर एवं हरदौर के पूर्व सांसद आदरणीय श्री कृष्ण मुरारी मोगे जी उपस्थित हो रहे हैं, एवं आध्यात्मिक गुरु इंदौर से पधार रहे बगलामुखी धाम के श्री प्रेम परमार गुरु जी हमें आशीर्वचन दे रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित होंगे सब ये जो आप कर रहे हैं युवक युवती परिषद सम्मेलन, इसमें बांगड़ जी की भी एक अलग से भूमिका रहती थी, उनका एक वो अलग से ग्रुप बना रखा है, वो उसका इसमें सम्मिलित वो भी रहेंगे क्या? देखिए क्या होता है कि बांगर जी का यह प्रश्न गत वर्ष भी उठा था इसी सभा में, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो मेरे वरिष्ठ है, आदरणीय समाज के बहुत सीनियर कार्यकर्ता है, और यह कार्य हम लोग इसलिए प्रारंभ किया है कि विगत 2022 में
बांगर जी प्रतिवर्ष फरवरी में इस कार्यक्रम को करते हैं, तो फरवरी में उन्होंने जब इस कार्यक्रम को नहीं किया और कोरोना काल के बाद समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग शादियों के लिए तैयार हो गया था कि कोरोना काल में जो अपेक्षाकृत शादियाँ होती वो नहीं हो पाई थी, तो हम लोगों ने विचार किया है कि बांगर साहब ने नहीं किया है तो हो सकता है उनकी अपनी कुछ प्राइवेट बात हो जिसके कारण नहीं कर पाए, तो क्यों ना इनका हम लोग बीड़ा उठाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, समाज एक है, बांगर जी मेरे समाज के वरिष्ठ हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले साल हम उनसे बात करके इसको एक ही मूर्त रूप में करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम तो मेरा नाम कीर्ति कुमार चव्हाण, अध्यक्ष श्री शिव छत्रपति मराठा संघ सेवा।